पुलिस थाना भुंतर के तहत शमशी में आईटीआई के नजदीक पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक क्लिनिक पर छापा मारकर प्रतिबंधित ट्रामाटोल टैबलेट्स की खेप पकड़ी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर हरबंस लाल को गिरफ्तार कर लिया है। कुल्लू पुलिस थाना भुंतर के तहत शमशी में आईटीआई के नजदीक पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक क्लिनिक पर छापा मारकर प्रतिबंधित ट्रामाटोल टैबलेट्स की खेप पकड़ी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर हरबंस लाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार क्लिनिक से मादक पदार्थ अधिनियम से संबंधित ड्रग ट्रामाडोल की 100 टैबलेट मिली है। क्लिनिक से एक रजिस्टर भी मिला है जिसमें काफी नशेड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। डीएसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने बताया कि शमशी में एक बीएमएस डॉक्टर से रेड के दौरान ट्रामाडोल दवाई की 100 टैबलेट्स बरामद की है, जिसके बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में ये पता चला कि ये दवाई मंडी के स्टोर से मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि इन टैबलेट्स को हेरोइन के आदि नशेड़ी उस स्थिति में इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें हेरोइन नहीं मिल पाती। हेरोइन की जरूरत की स्थिति में नशेड़ी इस तरह की नशीली दवाइयों को नशे की डोज के तौर पर लेते हैं। वहीं आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। आरोपी ने खुलासा किया है कि दवाई उसने मंडी के एक स्टोर से ऑनलाइन मंगवाई थी। अक्सर ये दवाई 100 से 200 रुपए के बीच खरीदी जाती है, परंतु डॉक्टर अवैध रूप से इस दवाई का दुरुपयोग करते हुए हेरोइन के आदि नशेड़ियों को 500 से 1000 रुपए के बीच में उपलब्ध करवा रहा था। आरोपी के पास से एक रफ कॉपी भी बरामद हुई है जिसमें बहुत सारे युवक के नाम और पते दर्ज हैं। डीएसपी ने बताया कि ये उन नशेड़ियों के नाम हैं जो हेरोइन की जद में है और सभी नशेड़ियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस संबंधित कंपनी ने मंडी स्टोर में ये दवाई भेजी थी उस कंपनी के मालिक को भी नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में छानबीन चल रही है। बीएमएस डॉक्टर के पास ट्रामाडोल नामक ड्रग की 100 टैबलेट्स हमें बरामद हुई थी, जो उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनका 2 बार पुलिस रिमांड हासिल करके उनसे पूछताछ की गई है। अब फर्दर ये देखा जा रहा है कि उनके पास ये जो प्रतिबंधित ड्रग है वो कहाँ से आया था, और यदि ये ऐसा पाया जाता है ये कि किसी गैरकानूनी तरीके से आया है तो संबंधित सप्लायर के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।